कम बजट में आकर्षक डिजाइन और फीचर्स के साथ 120 किलोमीटर तक की लंबी रेंज वाला टॉप 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर पढ़े डिटेल। जी हाँ दोस्तों, बता दें 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर नया आ चुका है, जहां पे आपको 120 किलोमीटर तक माइलेज मिलेगा सिंगल चार्ज में और सबसे कम बजट में आपको देखने को मिलेगा। आइए पूरी डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बात करते हैं तो कम बजट में खरीदना चाहते हैं लंबी रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो बताते हैं दोस्तों यहाँ पे कम किफायती में कीमत में 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं। पूरी डिटेल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला स्कूटर की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक की बढ़ती डिमांड को देखते हुए तमाम कंपनियां इस सेक्टर में अपना ये व्हीकल लॉन्च कर रही है। ऐसे में कम बजट और लंबी रेंज वाला आपको काफ़ी कम स्कूटर देखने को मिलता है। लेकिन आज हम एक अच्छा और लंबी रेंज वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पे टॉप 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर की पूरी डिटेल की बात करेंगे। तो सबसे पहला स्कूटर जो हमारे पास है दोस्तों, वो हमारे पास है इवोलेट पोलो। जी हाँ दोस्तों, बता दें यूनिक और आकर्षक डिजाइन वाले ये स्कूटर इस सेगमेंट का एक पॉपुलर स्कूटर है, जिसकी शुरुआती कीमत 44,499 रुपये है और ये कीमत इसके टॉप वेरियंट 54,499 रुपये तक हो जाती है। स्कूटर की बैटरी और पावर की बात करें तो इसमें कंपनी ने 1.152 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी पैक दिया है, जिसमें आपको 250 यानी 250 वाट की BLDC मोटर दी गई, जहां पे 350 वाट की क्षमता अधिकतम क्षमता जो है सो पावर जनरेट करती है। वहीं बात करें तो स्कूटर की रेंज और स्पीड की बात करें तो कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने के बाद 90 से लेकर 120 किलोमीटर तक रेंज देती है, जिसके साथ आपको 25 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, बता दें एक बार फुल चार्ज कीजिए 90 से लेके 120 किलोमीटर तक चलेगी और इसकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, काफ़ी सुंदर है। आगे हम लोग बात करते हैं तो स्कूटर के फीचर्स की बात करें तो कंपनी ने इसके फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक है, जबकि रियर में ड्रम ब्रेक है, वहीं कॉम्बिनेशन दिया गया है। आपको बता दें इसके साथ ही 10 इंच का अलॉय व्हील दिया गया है, EABS ब्रेकिंग सिस्टम जैसे काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं। तो ये स्कूटर ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कम प्राइस में 45,000 रुपये में आपको मिल रहा है। दूसरा स्कूटर हमारे पास है प्योर ईवी ई-प्लूटो। जी हाँ दोस्तों, बता दें ई-प्लूटो स्कूटर अपनी कंपनी का एक प्रीमियम स्कूटर है, जिसे कंपनी ने 71,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ मार्केट में उतारा है। वहीं बात करें तो इस स्कूटर में कंपनी ने 1800 वाट का मोटर दिया है, जो कि ब्रशलेस हब मोटर है। यह मोटर जो है 60 NM का पिक टॉर्क जनरेट करता है। स्कूटर की रेंज को लेकर के कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर एक बार फुल चार्ज करने के बाद 80 किलोमीटर की रेंज देता है और इसकी बैटरी को चार्ज होने में मात्र 4 घंटे का ही समय लगता है। जी हाँ दोस्तों, ये प्लूटो कंपनी का स्कूटर मात्र 4 घंटा में फुल चार्ज हो जाता है। वहीं बात करें तो स्कूटर के फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक और रियर में जो है ड्रम ब्रेक कम्बिनेशन दिया गया है, जिसके साथ डुअल चैनल EABS सिस्टम दिया गया है, जो कि काफ़ी सुंदर है। आगे बात करते हैं तो इसके अलावा स्कूटर में डिजिटल स्पीडोमीटर है, डिजिटल ट्रिप मीटर है, डिजिटल कंट्रोल है, इंजन इमोबिलियस है, उसके बाद एंटी थेफ्ट अलार्म जैसे कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। तो इस स्कूटर को भी एक बार देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त है। अगला स्कूटर हमारे पास है दोस्तों हीरो इलेक्ट्रिक प्रोटॉन। जी हाँ दोस्तों, बता दें हीरो इलेक्ट्रिक प्रोटॉन स्कूटर आकर्षक डिजाइन वाला स्कूटर है, जिसकी शुरुआती कीमत 71,440 रुपये है। वहीं बात करें दोस्तों तो इस स्कूटर में आपको बैटरी और पावर की बात करें, इसमें तो 76 वोल्ट और 26 AH की बैटरी पैक दिया गया है, जिसके साथ ही BLDC मोटर से जोड़ा गया है, जो 1200 वाट की पावर जनरेट करती है। स्कूटर की रेंज और स्पीड को लेकर के कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर 108 किलोमीटर की रेंज देता है। जी हाँ दोस्तों, फुल चार्ज में 108 किलोमीटर देता है हीरो इलेक्ट्रिक प्रोटॉन। तो ये टोटल 3 स्कूटर है, तीनों काफ़ी ज़बरदस्त है और कम बजट में है। तीनों में से कौन सा स्कूटर आप ले रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि और भी अच्छे से सजेशन हम आपको दे सकें। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।